नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे पादप प्रजनन की जो क्रियाएं थी उन क्रियाओं में जो हमारा पहला जो स्टेप था उस स्टेप का नाम है ग्राम्य डोमेस्टिकेशन। जंगली प्रजाति को खेती के लिए उगाना ग्राम्य या डोमेस्टिकेशन कहलाता है। तो आज पादप प्रजनन की जो क्रियाएं हैं, यानी हमारा जो पहला जो लेसन है प्लांट ब्रीडिंग का, इस प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन की क्रियाओं में पहला आ रहा है आपका टॉपिक डोमेस्टिकेशन ग्राम्य। जंगली प्रजाति को खेती के लिए उगाना, देखना क्या है कि जब भी हम जंगली प्रजाति को खेती के लिए उगाते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी बात इसमें ये बैठती है कि ग्राम्यन के कारण एक तो क्या होता है कि वो जो प्रजाति है उस प्रजाति का जो सेटरिंग है, यानी यदि अपने बात करें विसरण है, वो या तो अब होना बंद हो गया। विसरण का मतलब होता है जो मूल प्रजाति है वो प्रजाति क्या करना, धीरे धीरे नष्ट हो जाना। तो अब क्या है कि वो अब यहां पर जो अपने बात करें कि वो इस सेटरिंग से क्या होगी, वो मुक्त होगी, यानी नॉन सेटरिंग। तो सबसे पहले ग्राम्यन के अंदर हमने वो जंगली किस्म को हमने बोना है जो क्या है कि उनमें भरपूर विग्योरता है, यानी उन्नत उसमें गुण है, तो वो गुण है जो वो जल्दी से नष्ट नहीं होते। यहाँ पर अपने बात करें कि अपने ग्राम्यन के अंदर क्या होता है, उन्हीं फसलों को बोया जाता है जो सीमित अवधि के अंदर क्या करती है, परिपक्व होती है। एक उनके जो दाने होते हैं उनके अंदर जो पोषक पदार्थ है ना, वो क्या होता है उसके आमाप में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो डोमेस्टिकेशन अपना पहला टॉपिक है, अपने इसके ऊपर बात करें। अपने बात करें ग्राम्यन के दौरान सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, उसका वर्ण किस प्रकार से होता है, यानी उसका चयन किस प्रकार से। सिलेक्शन या चयन किस प्रकार से होता है, तो यदि सिलेक्शन के बारे में देखा जाए तो एक होता है इसमें प्राकृतिक चयन, और एक होता है कृत्रिम चयन। दो तरह का चयन, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन और कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन में क्या करता है, प्रकृति ही उसका चुनाव करती है। इसमें अपने देखा जाए कि इस यदि सिलेक्शन के अंदर देखा जाए तो इसमें क्या है कि प्लांट के अंदर विभिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जीन प्रारूप होते हैं। हमें जीन की संरचना में परिवर्तन करना है तभी प्लांट की संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यदि हमें देखा जाए कि एक तो उसकी जीनी संरचना में क्या करना है, परिवर्तन करना है। एक इसमें क्या करता है कि यदि भिन्न प्राकृतिक कारक है, जैसे हमने किसी ऐसे जगह पर प्लांट्स को बोया है, वो कारक क्या करता है, फैक्टर करता है, और उसके कारण क्या करता है, फसल की जो जीनी संरचना है उसमें क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है यहां पर दो भागों में बांटा है, एक प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन, एक कृत्रिम वर्ण या चयन, वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो यदि हम प्राकृतिक चयन की बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे वहां की जलवायु है, मृदा है, वहां जैविक कोई भी कारक है, वो क्या करेंगे, उस फसल को क्या करेंगे, चयन करेंगे, यानी उसको एनवायरमेंट को वो क्या करती है, फाइट करके वो क्या करती है, जिंदा रहती है, यानी उस अकॉर्डिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे वो क्या करती है, अपने को ढाल लेती है। तो वो एनवायरमेंट उसको ढालने की ऐसी क्षमता प्रदान करता है, जैसे राजस्थान है, यहाँ का जो टेम्परेचर है ज़्यादा है, तो इस तरह से इस टेम्परेचर में थोड़ा सा शुष्क एरिया है तो यहाँ की मिट्टी में थोड़ी भिन्नता है, तो इस एरिया को फाइट करके जो फसल यहाँ पैदा होती है तो उसको किसने डाला, यहाँ के एनवायरमेंट ने उसमें क्या किया, वो परिवर्तन किया। नेक्स्ट अपने बात करें कृत्रिम चयन, ये मानव के द्वारा किया जाता है। तो मानव क्या करता है कि ग्रीन हाउस में है या इंडोर किसी चीज के अंदर है ना, तो इस तरह से उसका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है।
हमें मानव के द्वारा ये देखना है कि वो हमारे लिए फसल कितना उपयुक्त है। यदि हमारे लिए वो अधिक उपयुक्त है तो हम उस फसल का क्या करते हैं, चयन करते हैं और फिर अपने उस फसल को क्या करते हैं, बोने लग जाते हैं। नेक्स्ट यदि बात करूं मैं यहाँ पर जो आता है कि प्राकृतिक जो वर्ण है ना, उनमें क्या चीजें आएगी, प्राकृतिक वर्ण में मुख्य चीज क्या आएगी जो आपको इसमें से दिखाए, इसमें क्या करेगा ध्यान देना, इसमें क्या है प्राकृतिक कारकों की सीधी बात है। दूसरा, समष्टि के जीन प्रारूप में क्या भिन्नता आएगी। नेक्स्ट, इसके अंदर समष्टि में प्राकृतिक वातावरण होगा तो उसी के अनुकूल वो क्या करेगी, जाति जो स्पीसीज है वो क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। और इसमें जो प्राकृतिक द्वारा चुना जाता है उसमें विविधता है कि नहीं है, वेरिएशन क्या रहेगी, बनी रहेगी है कि नहीं है, इसके अंदर विविधता वेरिएशन क्या रहेगी, बनी रहेगी। अब यदि कृत्रिम वर्ण की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें जैसे मानव के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है तो इसमें केवल चयन है ना, वो जीन प्रारूप के द्वारा करते हैं। हम कहते हैं कि ये जीन जो ये मटर है या ये मक्का है इसका ये जीन ठीक है, हमें तो इसको बोना चाहिए, हम इस पर चलते हैं। नंबर, इसके अंदर क्या करता है, हम अनुकूलता बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई ग्रीन हाउस है और है, उसको कितना अंदर से टेम्परेचर रखना है कि नहीं है, उसको कितना मतलब उसको पानी देना है, प्लांट्स को खाद उसको किस प्रकार देनी है, वो हमारे द्वारा क्या करता है, वो नियंत्रित होती है। जिन दशाओं के लिए हम इसका चयन करते हैं उसमें अनुकूलता एडप्टेशन क्या करती है, बढ़ती रहती है क्योंकि हमने इसको तैयार किया है। लेकिन इसमें एक बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, इसमें वेरिएशन नहीं आती, बोले तो इसमें इस फसल के अंदर क्या नहीं आती, इसमें वेरिएशन यानी विविधता नहीं आती, यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात होती है। इसी का भाग यदि मैं आपको बात करूँ यहाँ पर जो नेक्स्ट पादप प्रजनन की जो क्रियाएँ हैं उन क्रियाओं के बारे में यदि मैं देखूँ तो उन क्रियाओं के अंदर दूसरी जो क्रिया यहाँ पर जो आती है वो क्रिया आती है यहाँ पर चरम द्रव्य, वो क्या आती है, जनन द्रव्य। दूसरी जो क्रिया आती है वो आती है यहाँ पर जनन द्रव्य। क्या आती है, जनन द्रव्य। जनन प्लाज्म क्या चीज है, देखना क्या होता है, फसल के अंदर जीन प्रारूप को रूपांतरित करके, एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं इस विधि का क्यों प्रयोग कर रहा हूं, एक तो क्या होता है कि जीन प्रारूप में परिवर्तन करके और अधिक उपयोगी फसल बनाता है, पहली बात की है। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, भारत में ये जो जनन द्रव्य संरक्षण का ये जो कार्य कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि दिल्ली की एक संस्था है NBPGR, ठीक है ना, NBPGR राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, तो ये क्या करता है, ये जनन द्रव्य के संरक्षण का कार्य करता है। यदि मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो देखना इसमें क्या होता है कि मान लो किसी फसल है, प्रजाति है या स्पीसीज है, उसकी जंगली संबंधी है कि नहीं है, जो हम क्या करते हैं कि ऐसे हॉटस्पॉट क्षेत्र से अपने कोई उसकी प्रजाति लेकर आए हैं, उसका ध्यान देना, उसका संपूर्ण अनुवांशिक द्रव्य यानी हेरिडेटरी मटेरियल उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहलाता है। किसी फसल की प्रजाति या स्पीसीज एवं उसके जंगली संबंधियों का, हमने यहाँ गेहूं बोया लेकिन उसका ओरिजिन कहीं किसी देश के अंदर उसका ओरिजिन उत्पत्ति स्थल था, वो फसल हमने यहाँ बोई है तो उसका मदर प्लांट तो वो हुआ ना, कि उस मदर प्लांट का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ वाले जो प्लांट हमने बोया उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, उस सारे उसको अपना संपूर्ण है ना जो जेनेटिक मटेरियल है या हेरिडिटी मटेरियल है उस प्रजाति का जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य कहलाता है। जनन द्रव्य को हम अनुवांशिक संसाधन भी बोलते हैं क्योंकि ये अपने पास में इसका ये मुख्य भाग होता है, ध्यान देना है ना, अनुवांशिक संसाधन भी इसको कहते हैं, है ना, रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज भी इसको बोलते हैं। अब देखना यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जितनी भी हमने जनन द्रव्य के बारे में बात की इसके अंतर्गत हम किन किन चीजों के बारे में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहले यहाँ पर जो बात आती है वो बात आती है कि देशी किस में, पहला आता है इसमें साथ आती है वो आती है देशी, देशी किस, देशी किस्में यानी लोकल रेस, ठीक है ना। कहते हैं देशी किस्म वह होती है जिसका विकास योजनाबद्ध तरीके से किसी प्रजनक द्वारा नहीं होता,
तथा लंबे समय से किसी क्षेत्र में उगाई जाती है। वो क्या है कि अपने देखें एक फसल है, अपने एक ही क्षेत्र में उसको क्या करते हैं, बोते हैं उसको, कितने एक ही क्षेत्र में उसको अपने बो रहे हैं, है क्या ना। अब क्या करते हैं वो अन्यत्र कहीं नहीं जो होती, एक ही क्षेत्र के अंदर बोई जाती है, इसको उसको अपने क्या कहते हैं लोकल रेस, या उसको अपने क्या कहते हैं उसको अपने देशी किस्म कहते हैं, क्या कहते हैं उसको देशी किस्म कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका बात यदि अपने देखें तो वो उसमें आता है पुरानी अप्रचलित किस्में, पुरानी अप्रचलित किस्में। इसमें यदि देखा जाए तो अपने बात करें हैं कि ये कहता है एब्सोल्यूट वैरायटी है कि नहीं है। इस अपने तरीके में देखें तो पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित की गई किस्में जो कभी खेती के लिए उपयोग में ली गई थी, खेती के लिए उपयोग में ली गई थी मतलब, ठीक है ना, और इन किस्मों को वर्तमान में खेती के लिए नहीं उगाया जाता, यानी अब इन किस्मों को अपने खेती में क्या करते हैं नहीं उगा रहे। समझिए ना कि पहले इनको क्या करता है उगाया जाता था, है कि नहीं है, लेकिन अब इनको अपने क्या करते हैं यानी अब इनको खेत में नहीं बोई जाती, जब उसी दिशी बात है तो पुरानी अप्रचलित किस्में। अब देखना नेक्स्ट जो इसका जो भाग है वह खेती के उपयोग में आ रही किस्म, आ रही किस्म यानी वैरायटी इन कल्टीवेशन जो हम खेत के लिए क्या करते हैं उगा रहे हैं। इसमें देखना इसमें किस्में हैं वो उपज उसमें सबसे बड़ी बात है, नंबर दो गुणवत्ता आदि के लिए जीनों का उत्तम स्रोत होना आवश्यक है, पहली बात ये। दूसरा क्या होता है इन किस्मों को नए क्षेत्र में ले जाकर और पादप पूर्व स्थापन है ना, प्लांट इंट्रोडक्शन प्लांट पूर्व स्थापन सीधे खेती के लिए इनको क्या करते हैं अपने उगा सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं इसमें ऐसी किस्में सीधा कह रहे हैं खेती के लिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसको खेती के लिए उगाते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए खेती के उपयोग में आ रही किस्म कोई किस्म ऐसी हम सीधा डायरेक्ट उसको खेती के लिए क्या करते हैं उगाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बात की देसी किस्म के बारे में बात की, दूसरा हमने बात की पुरानी अप्रचलित किस्में जो अब प्रचलन में नहीं है पहले उगाया करते थे, तीसरा आता है खेती के उपयोग में आ रही किस्में वैरायटी इन कल्टीवेशन अब जो ऐसे वैरायटी है वो कल्टीवेशन के लिए क्या करते हैं उपयोग में आ रही है। अब जो नेक्स्ट बात आता है वो होता है प्रजनन लाइनें, प्रजनन लाइनें इसमें जो बात आती है ध्यान देना यानी ब्रीडिंग लाइंस, इसमें क्या आते हैं प्रजनन कार्यक्रम के द्वारा विकसित लाइनें या समष्टि या स्पीसीज या जाति, इसमें अक्सर उपयोगी जीन है ना संयोजन पाए जाते हैं, यानी हमने जो प्रोसेस की थी हमने क्रिएशन और वेरिएशन यानी विविधता का जो उत्पादन की बात की थी उसमें क्या करते हैं हमने जो उसमें जीन में वेरिएशन की थी वो इन किस्मों में पाया जाता है, यानी ये ब्रीडिंग लाइन्स है जो प्रजनन के द्वारा क्या की है तैयार की गई है, यानी ये लाइंस जो हम बो रहे हैं यानी ऐसी फसल है जैसे मक्का है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, जिसको मक्का में नहीं गोल्डन राइस के अंदर चावल के अंदर जो विटामिन ए पाया जाता है तो वो उसके अंदर वो है ना, गोल्डन राइस के अंदर विटामिन है तो हमें वो लाइंस क्या करने हैं उसमें जो उपस्थित है तो यानी उनको हम क्या कहते हैं उनको हम ब्रीडिंग लाइंस या प्रजनन लाइनें भी बोलते हैं। अपने नेक्स्ट अपने इसके स्टेप के बारे में बात करें वो जंगली प्रारूप या इसके जंगली क्या है संबंधी के बारे में बात, जंगली प्रजाति, ठीक है ना। तो यहां पर जो बात आती है ध्यान देना जो वाइल्ड फॉर्म है और नेक्स्ट अपने वाइल्ड रिलेटिव है उनके
तो उनके बारे में अपने बात करेंगे इसमें जो भी इससे संबंधित है। इसके क्या है संबंधी जो इसमें उपयोग में आएंगे, यहां पर जो बात आता है कि किसी फसल का जंगली प्रारूप वो क्या कहलाता है, उसकी जंगली प्रजाति कहलाता है। फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए जंगली संबंधी उन शेष प्रजातियों को कहते हैं जो इस फसल के जैविक के विकास के कारण इसके पूर्वज प्रजाति रही होगी, यानी वो जंगली किस्म का जो चीन है ना वो इस जीव इस फसल के अंदर क्या है समाहित है, तभी तो हम कहते हैं कि वो उसका रिलेटिव है, यानी वैसा जीन इस प्रजाति के अंदर क्या करता है पाया जाता है। एक स्पष्ट लाइन में मैं बात करूं, जंगली प्रारूप का संबंधित फसल के अंदर प्रजाति के संकरण क्या करता है सरल होता है, यानी इसका जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो क्या करता है सरल होता है, और जंगली संबंधियों के साथ है ना संकरण अपेक्षाकृत क्या करता है इसका कठिन होता है। तो इसके बारे में अपने ये बात करते हैं। अब आता है कि अभी मैंने जिसमें बात की कि जंगली संबंधियों के साथ संकरण अपेक्षाकृत कठिन होता है, जंगल में और जो स्पीसीज है, हम कहें कि जो हम जंगल से जो किस्म लाए हमारी जो किस्म हुई है उनमें तो हम ब्रीडिंग कर देंगे, यानी जीन का हम क्या करेंगे लेन देन कर देंगे, लेकिन जिस जंगल के अंदर मतलब ये प्रजाति थी वहां जो अन्य प्रजाति है उसके साथ में इसका ब्रीडिंग नहीं होता, यानी हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण आपस में जो करना है वो इसमें जीन का मेल मिलाप नहीं होगा, यहां पर जो बात है। नेक्स्ट इसकी जो बात आती है विशिष्ट अनुवांशिक स्टॉक जो है ना वो इसमें वो जो बात आती है विशिष्ट अनुवांशिक स्टॉक, इसमें देखा जाए स्पेशल जेनेटिक स्टॉक, इसमें क्या करते हैं विशिष्ट जैसे नाम से स्पष्ट है कि स्पेशल है जेनेटिक स्टॉक, यानी इसमें क्या होगा उत्परिवर्तित लाइनें, जैसे हमने किसी लाइन से या प्रजाति के अंदर हमने क्या किया म्यूटेशन कराया है, सबसे बड़ी बात वो है। नंबर दो क्रोमोसोमल विपतन, विपतन क्रोमोसोम का कोई भाग टूट कर चले जाना या आ जाना या रेसिप्रोकल हो जाना, ये सारी बात है। युक्त लाइनें या इसमें कोई लाइन्स जुड़ी है, ये अनुवांशिक जीने इसमें क्या करते हैं शामिल है, यानी हमने जो ब्रीड जो किया है हमने जो क्या किया उसका गुण चाहे क्रोमोसोमल रूप में हो चाहे जीन के रूप में हो चाहे म्यूटेशन के रूप में हो वो सारा इसमें क्या है उपस्थित है। तो अपना जो टॉपिक था ध्यान देना, पहला था ग्रामीण डोमेस्टिकेशन जंगली प्रजाति को खेती के लिए होगा ना, दूसरा था जनन द्रव्य जरम प्लाज है कि नहीं है, कोई प्रजाति या किस्म उसके जंगली संबंधियों का संपूर्ण जो जनन द्रव्य है कि नहीं है, वो कोशिका भित्ति को हटाने के बाद में जो द्रव्य बचता है उसको जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य कहते हैं। इसके जो कितने भाग किस प्रकार से हो सकता है देसी किस्म, इसके बाद में पुरानी या प्रचलित किस्में, इसमें खेती के उपयोग में आ रही किस्में, प्रजनन लाइनें, जंगली प्रजाति और इसके संबंधी, और इसके बाद में विशिष्ट अनुवांशिक स्टॉक, ये सारा जो भाग है ये जनन द्रव्य से संबंधित है। यहाँ पर देसी किस्में हैं जो लगातार वहां पर बोई जाती है, अप्रचलित किस्में जो पहले बोई जाती थी अब नहीं बोई जाती है, यानी उस जनन द्रव्य से संबंधित है कि यानी जो फसलें अब नहीं बोई जाती तो ठीक है उनका प्रोडक्शन कम हो गया इसीलिए उन फसलों को अपने क्या करते हैं नहीं बोते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।